कपूर खानदान का वो सितारा जिसने देखी बर्बादी क्या होती है। सब कुछ बिक गया लेकिन हार नहीं माना और आज जी रहा है ऐसी जिंदगी। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कपूर खानदान की बात करें तो कपूर खानदान के वारिसों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है। आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में कपूर खानदान के कई सारे ऐसे वारिस हैं जिन्होंने अपना अलग ही योगदान दिया है और उन्हीं में से एक है शशि कपूर। इन्हें कैसे भूला जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में शशि कपूर ने अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में उन पर फिदा होने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। यहां तक कि वो कई सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस का भी क्रश हुआ करते थे। राजेश खन्ना का जादू जहां 70 के दशक में सबके सर पर चढ़कर बोल रहा था, तो उसी के साथ ही लोगों के दिलों में इस चार्मिंग और हैंडसम एक्टर के लिए भी बेशुमार मोहब्बत थी। शशि कपूर की बात करें तो उनका जन्म 18 मार्च 1938 में कोलकाता में हुआ था और सबसे पहले इनका नाम बलबीर राज कपूर था। कपूर खानदान में जन्मे शशि कपूर ने अपने शानदार फिल्मी करियर के दौरान खूब लोकप्रियता बटोरी और हैंडसम और चार्मिंग अभिनेता के तौर पर उन्होंने खूब नाम कमाया। ये कपूर खानदान के पहले ऐसे वारिस थे जिन्होंने एक विदेशी महिला के साथ शादी की थी जिनका नाम था जेनिफर। जेनिफर के साथ अपने रिश्ते को लेकर ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे। जेनिफर से इनके 3 बच्चे हुए। हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में जो इन्होंने योगदान दिया है इसके फलस्वरूप 2011 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया और दादा साहब फाल्के अवार्ड 2014 में मिला। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 4 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र के मुंबई में इनका देहांत हो गया। अब भले ही शशि कपूर आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन इनके शानदार फिल्मी सफर को देखने के बाद हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। शशि कपूर की बात करें तो ये अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार में एक थे जिनके आगे कोई भी नहीं टिकता था। चलिए आज हम आपको बताते हैं शशि कपूर के उस दौर के बारे में जहां इस अभिनेता को अपने करियर का सबसे बुरा दौर देखने को मिला। साफ शब्दों में कहें तो इस अभिनेता ने जीते जी सब कुछ देख लिया था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले शशि कपूर ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी वजह से इन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो कंगाल हो गए थे और उन्हें अपने घर का सामान बेचकर गुजारा करना पड़ा था। खबरों की माने तो 60 के दशक में उन्हें फिल्मों में काम मिलना लगभग बंद हो गया था। इस बात का खुलासा खुद उनके बेटे कुणाल कपूर ने भी एक इंटरव्यू के दौरान किया था। कुणाल ने बताया कि पापा को 60 के दशक में फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था जिसकी वजह से पैसों की काफी तंगी होने लगी थी। पापा ने अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स कार को भी बेच दिया था और मम्मी जेनिफर को भी रुपयों के लिए अपना सामान बेचना पड़ा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस वक्त शशि कपूर की ऐसी हालत हो गई थी कि इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेसेस भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थीं। ऐसे में नंदा ने उनका साथ दिया और दोनों ने जब एक साथ फिल्म जब फूल खिले में काम किया तो ये फिल्म बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। शशि कपूर का जन्म कोलकाता में हुआ था। शशि कपूर का असली नाम बलवीर था लेकिन उन्हें पहचान मिली शशि के नाम से। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें उनकी मां ने ये नाम दिया था। सबसे छोटे होने की वजह से शशि कपूर के अंकल आंटी उन्हें नेपोलियन कहकर बुलाया करते थे जो शशि कपूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शशि कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्होंने खुद को मैट्रिक फेल बताते हुए कहा
कि पास न होने पर पिता ने उन्हें डांटा नहीं था, बल्कि फिर से परीक्षा में बैठने को कहा। और शशि ने अपने पिता को कहा कि मैं कैंटीन में बैठकर उनका पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। इसी के साथ ही उनके फिल्मी करियर की शुरुआत की बात करें तो 1953 में शशि कपूर थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें पहली तनख्वाह के रूप में 75 रुपए मिले थे, जो उस दौर के लिहाज से काफी बड़ी रकम हुआ करती थी। वो खानदान के पहले ऐसे चिराग थे जिन्होंने एक विदेशी महिला से शादी की थी। इसको भी लेकर काफी बवाल हुआ था। शशि कपूर ने शेक्सपियर नामा इस नाम के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसे जॉफ्री कैंडल चलाया करते थे। इन्हीं की बेटी थी जेनिफर कैंडल। शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात हुई और प्यार परवान चढ़ने लगा। शशि कपूर अपने जीवन को लेकर काफी सहज थे। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में तय कर लिया था कि उन्हें जेनिफर से शादी करनी है और मेहनत करके पैसे कमाने हैं। इसीलिए 18 साल की उम्र में ही अपने से 4 साल बड़ी जेनिफर कैंडल से शादी करने के लिए वो तैयार हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में बताया था। हालांकि तीनों भाइयों शशि कपूर, शम्मी कपूर और राज कपूर में सिर्फ शशि कपूर ही थे जो अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत थे, फिर चाहे वो प्यार हो, शादी हो या फिर एक्टिंग। उन्होंने कहा था, जब मैंने जेनिफर को देखा तब मैं सिर्फ 18 साल का था। तब मेरे पिता ने कहा कि हे भगवान, अपनी उम्र तो देखो। मैंने कहा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैंने 2 साल इंतजार किया। पेरेंट्स ने फिर पूछा कि क्या तुम अब भी उसी के साथ शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ। हालांकि शशि कपूर ने फिल्मों में डेब्यू करने के बारे में बातचीत करते हुए कहा था कि मुझे फिल्मों में काम किसी दूसरे की बदौलत नहीं मिला, बल्कि मैं फिल्मों में इसलिए आया ताकि परिवार का गुजारा चल सके। 1959 में मेरा एक बेटा भी हो चुका था। 1960 तक महसूस हुआ कि मुझे जॉब करनी चाहिए, बस अपना काम करो, एक्टिंग करो और भूल जाओ। मैंने डर को अलविदा कहा। शशि कपूर हैंडसम एक्टर हुआ करते थे और उस दौर के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक जाने जाते थे, लेकिन अपनी गलतियों के कारण इन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। शशि कपूर ने फिल्मों में काम करने के साथ ही साथ कुछ फिल्मों को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किया था, जिनमें से एक फिल्म थी अजूबा, जिसे 1991 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही शशि कपूर थे। उस वक्त ये फिल्म 8 करोड़ रुपए में बनी थी और ये सुपर फ्लॉप रही। इस फिल्म में शशि कपूर को करीबन 3.5 करोड़ का घाटा हुआ। इस नुकसान की भरपाई उन्होंने अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर की थी। हालांकि आपको इस बात की जानकारी भी देना चाहेंगे कि शशि कपूर को आखिरी बार साल 1998 में आई फिल्म साइड स्ट्रीट में देखा गया था, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी लीड रोल में दिखाई दी थी। इसके बाद वो धीरे धीरे लाइमलाइट से दूर होते चले गए और 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, ये थे शशि कपूर, कपूर खानदान के ऐसे वारिस जिन्होंने खूब लोकप्रियता बटोरी, लेकिन अपनी कुछ गलतियों की वजह से इन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। आपको इनकी जीवनी के बारे में क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आपको वीडियो कैसी लगी, नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।